आप एक खिलाफ इनके खिलाफ रिपोर्ट दीजिएगा। इस तरीके से ये आए हैं और हमारे इंस्पेक्शन के दौरान इनका कुर्ता और पजामा में ये थे और गमछा इन्होंने इस पर ये, दिस हैज टू बी गिवन टू मी, ठीक है? आप दीजिएगा ये रिपोर्ट, आई विल सी टू इट कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। आपके ऊपर हम, आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जरा सा नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। खबर बिहार के लखीसराय जिले से है, जहां पर लखीसराय जिले के डीएम संजय कुमार सिंह बलगुदर पंचायत पहुंचे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने नल जल योजना, आंगनवाड़ी योजना, इंदिरा आवास योजना, साथ ही साथ सात निश्चय योजना और विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत की, ग्रामीणों के हालात देखे और अब इसी कड़ी में वो वहां के मध्य विद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरे विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की कुव्यवस्था और मिड डे मील बंद होता देख लखीसराय डीएम संजय कुमार सिंह काफी गुस्से में नजर आए और इसे गुस्से में उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को जमकर फटकार लगा दी। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। क्या कुछ कह रहे हैं लखीसराय के डीएम संजय कुमार सिंह, पहले आप उनकी पूरी बातों को सुनिए, साथ ही साथ ये भी देखिए कि किस तरीके से वो जब स्कूल पहुंचे तो उन्होंने पूरी मैनेजमेंट के साथ साथ वहां के प्रिंसिपल को जमकर डांट फटकार लगाई, वहां की व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े नहीं है। लाइट इंप्रॉपर है, इसके लिए आपने कभी तैयारी की? बंद लगाने के लिए कह दिए थे। किनको बोले थे? हेडमास्टर। ये तो बोल रहे पैसा नहीं है। पैसा की सर अभी तो वास्तव में दो साल से कोई फंड नहीं है सर, विभाग पैसा है नहीं। कितना पैसा आता है इसी स्कूल के जिम्मे में, कितना पैसा आता है? 30,000-40,000 आता है सर, लेकिन हाँ। अभी दो साल से बिल्कुल नहीं आ रहा है हाँ। राशि किसी प्रकार की, और खाता जो है वो जीरो कर दिया गया है हाँ। जितनी भी राशि थी सबको जो है SSA के आदेशानुसार लौटा दिया गया है। किसको? SSA को। तो SSA के आपने बोला कभी कि वो आकर के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करे? जब SSA के पास पैसा है, SSA यहीं का विंग है, तो SSA का सर शिक्षा को क्यों नहीं बोले? अभी वो पैसा भी नहीं दे रहा है सर, किसी स्कूल को नहीं दे रहा है, ना अपने स्तर से भी कुछ खर्च नहीं कर रहा। एक नया खाता वो फिर खोलने का आदेश है सर। हमको एक मिनट इस चीज़ को, अब हमको मेरा इरिटेशन लेवल इतना बढ़ रहा है ना कि हमको बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप लोगों का अकर्मण्यता और शिथिलता जो है ना, आप लोगों का चरम पर पहुंचा हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। अभी तो हम SSA को भी नहीं बोले, वो भी ट्रांसफर होकर चला गया। आप एक चीज है, आपकी जवाबदेही जहां से होगा आप ला करके यहां बल्ब करवा करके और आप मेरे को सूचित करेंगे, ठीक है? आपका दूसरा क्लास कहां हो रहा है? क्या आप नाम बताएं अपना? निर्भय कुमार सिंह। आप एक चीज आप बता देते हैं, आप शिक्षक हैं तो शिक्षक की तरह रखिएगा अपने आप को, इस वेशभूषा में आप रखिएगा तो आप शिक्षक रखने के लायक नहीं। हम लोग आपको ये कह देंगे कि भाई इनको जनप्रतिनिधि ही बना दीजिए, आप जाकर के वोट मांगते रहिएगा लोग से, यहाँ शिक्षा करने का जरूरत नहीं है। इस तरीके से इतना ढीला ढाला करके आ करके बच्चे लोगों पर नेतागिरी के हिसाब से नहीं आ करके ये करेंगे, जवाब दे ही आप। आप एक खिलाफ इनके खिलाफ रिपोर्ट दीजिएगा। इस तरीके से ये आए हैं और हमारे इंस्पेक्शन के दौरान इनका कुर्ता और पजामा में ये थे और गमछा इन्होंने इस पर, दिस हैज टू बी गिवन टू मी, ठीक है? आप दीजिएगा ये रिपोर्ट, आई विल सी टू इट कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। आपके ऊपर हम, आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जरा सा दोनों है एक ही क्लासरूम में, क्या बताइए हेडमास्टर साहब? तो इसमें अलग रूम नहीं है? चार दो रूम है, एक में इसमें दो क्लास बैठता है, फिर उसमें बैठता है, उसमें से मिलती चलता है।
अच्छा ये बताइए, इसमें आप एक ही क्लास में दो बच्चों को, आपके पास रूम नहीं है? नहीं सर, वही रूम दे दिए नहीं उनको, मछुआ टोली को। अच्छा, यही दिक्कत है। अच्छा, मछुआ टोली को आप दे दिए, तो मैंने क्लास वन और क्लास टू को एक में कर दिया जी। अब बाकी को? बाकी ऊपर में है चौथा अलग, पचमा अलग। जैसे आप कहे थे सर, लिख के दिए थे कि शिफ्ट बाई शिफ्ट इसको कर दिया जाए तो उन्होंने सहूलियत हो जाए। दूसरा उपाय है, ये रूम आपका बड़ा है, इस रूम को दो भाग में करके कम से कम, ताकि के दो दो क्लास के बच्चों को पढ़ा सके। ऐसे ही तो अनहार है सर, और अगर इसको ट्रैफिक कर देंगे तो और अनहार हो जाएगा। क्या बोल लगाना पड़ता है, बिजली नहीं है।